दोस्तों क्या होगा जब एक आम लड़का एक धंधा करने वाली लड़की से प्यार कर बैठे और उसके साथ शादी कर ले। अब इन दोनों की लाइफ में आगे चल के क्या क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, यही हम आज ही एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उस लड़की की जो लाइफ है उसमें शुरू से लेके एंड तक उस लड़की के साथ कितना बुरा होता है। यहाँ पर हमें बेसिकली इस मूवी में एक धंधे करने वाली लड़की की लाइफ स्टोरी बताई गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड वे में इसमें स्टोरी लाइन दिखाई गई है। तो गाइस मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एंजल नाम की एक लड़की को देख रहे होते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत थी। अब हम देखते हैं कि खिड़की से बाहर वो झांक रही होती है और देखती है कि बहुत सारे लड़के लोग उसके लिए बोली लगा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि वो लड़की एक धंधा करती है। अब हम देखते हैं कुछ समय पीछे की कहानी, जहाँ पर जो एंजल है वो सोच रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल का जो रियल नाम था वो सारा था और वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। हम लोग देखते हैं एक दिन उनके डैड आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उनके जो डैड थे वो यहाँ पर सारा की मॉम से लड़ रहे थे कि ये बच्ची मेरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसको सारा जो है वो सुन लेती है। अब हम देखते हैं सारा के डैड तो यहाँ से चले जाते हैं और सारा की मॉम उसके साथ रहती है। हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के लिए इनकी जो आजीविका थी उसके लिए कोई साधन नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हैं सारा की मॉम को एक आदमी आके मिलता है, जो कि उनको एक सजेशन देता है कि आप यहाँ पर मेरे बताए हुए कदमों पर चलने लगे तो आपका जो जीविका है वो सुधर जाएगी और आपकी बच्ची जो है वो पल सकेगी। यहाँ पर हम देखते हैं सारा की मॉम एक धंधा करने वाले का काम शुरू कर देती है, पर किसी बीमारी के कारण सारा की जो मॉम होती है उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद सारा बिल्कुल अकेली हो जाती है। और वो आदमी जिसने सारा की मॉम को ये रास्ता दिखाया था वो सारा को भी एक कोठे पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर सारा की भी बोली लगा दी जाती है और उसे बेच दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे इस मूवी के मेन विलन को देखते हैं, जिसका नाम ड्यूक होता है। ड्यूक यहाँ पर सारा को देखता है और सारा उसे बेहद खूबसूरत लगती है, तो वो सारा को अपने पास ही रख लेता है और उसे अपने पैरों पे बिठाता है और उसको टीज करने लगता है। अब हम लोग देखते हैं ड्यूक अपने आदमियों से कह देता है कि जो आदमी सारा को लेकर आया था तुम उसका हिसाब कर दो। तो वो लोग उस आदमी को जान से मार देते हैं, जिसे देखकर सारा जो थी वो बहुत डर जाती है और वो ड्यूक की गोद में आके बैठ जाती है। हम लोग अब देखते हैं सारा बड़ी हो चुकी है और बेहद ही खूबसूरत हो चुकी है। हम लोग देखते हैं उसे अब जो धंधे का काम था वो भी पसंद आने लगा था और वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी ड्यूक के साथ, और जैसा कि वो कहता था वो वैसा ही करती थी। लेकिन रुको, अब हमें एक दिन यहाँ पर पता पड़ता है कि जो सारा के जो रियल डैड थे वो यहाँ पर आते हैं, वो सारा के साथ इंटीमेट होते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि वो उनकी बेटी सारा है। पर जैसे उन्हें ये पता पड़ता है वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, अपने आप को कोसने लगते हैं और अपने आप को गन शॉट कर देते हैं, जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है। अब अगले सीन में हम लोग माइकल नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि चर्च में जाता है अपनी वाइफ ढूंढने के लिए और भगवान से प्रे करता है कि भगवान मुझे कोई वाइफ मिल जाए, क्योंकि वो शुरू से ही सिंगल था। उसकी एज भी अब ज़्यादा हो गई थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो देखने में लड़का लगता था, कोई अंकल नहीं लगता था। हम लोग देखते हैं वो अपने दोस्तों से मजाक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे सारा दिखती है। पर रुको, अब हम उसे सारा नहीं कह सकते क्योंकि अब उसका नाम है एंजल। हम लोग देखते हैं माइकल एंजल के साथ इंटीमेट होने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए उसकी जो मालकिन थी उसको 10 गुना ज़्यादा पे करता था, जो कि हमें साफ पता पड़ता है कि वो एंजल से कितना ज़्यादा प्यार करने लगा था, उसे वो पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी। हम लोग देखते हैं ये लोग आपस में इंटीमेट होते हैं, बातचीत करते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि माइकल सारा को अपने साथ अपने घर पे लेकर चला जाता है। गाइस जब हम लोग देखते हैं कि जब जैसे एंजल माइकल के घर पे आ जाती है तो वो उसके घर से थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो कि उसके सारे पैसे छीन लेती है। वो साथ ही साथ एंजल को माइकल से छीन के फिर से एक औरत को बेच देती है। वो औरत फिर से एंजल से उसी लाइन में भेज देती है, यानी कि धंधे करने की लाइन में। यहाँ पर जो एंजल होती है, एक दिन उसका सिर में दर्द हो रहा था तो वो अपनी मालकिन से कहती है कि क्या मैं घूमने के लिए बाहर जा सकती हूँ, तो उसकी मालकिन उसका गला पकड़ के उसको धमका देती है और कहती है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता बिना मेरी परमिशन के, या फिर कोई बाहर तब नहीं जा सकता जब तक वो या तो मर ना जाए या फिर वो बूढ़ा नहीं हो जाए। हम लोग देखते हैं एक दिन माइकल फिर से उसी औरत के पास आ जाता है और वो यहाँ पर एंजल के लिए फिर से उसके जो 10 गुना से भी ज़्यादा पैसे एंजल के लिए देकर चला जाता है। हम एक दिन देखते हैं पॉल नाम का एक आदमी आता है, वो माइकल के पास आता है, माइकल का वो दोस्त था। वो यहाँ पर जैसे ही सारा को देखता है, यानी कि जैसे ही वहाँ पर एंजल को देखता है, वो समझ जाता है कि ये तो वही धंधे वाली है।
गाइस पॉल इस बात को डिस्कस करने के लिए माइकल के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसको लेकर आए हो। तो माइकल उसे कहता है कि मुझे पता है और मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अब हम एक दिन देखते हैं कि जो पॉल होता है वो यहाँ पर एंजल को अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि एंजल का जो मन था अब वो भी नहीं टिक रहा था माइकल के पास। अब एक दिन माइकल देखता है उसे यहाँ पर एंजल नहीं मिलती, तो माइकल क्या करता है, वो एंजल जहाँ पर रहती थी पिछले उसके कोठे पर, तो वहीं पर जाता है और एंजल को फिर से लेकर आ जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंजल जो थी वो जहाँ पर पिछली बार काम करती थी वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और वो माइकल के पास फिर से आने से खुश थी। अब हम लोग देखते हैं ये लोग घर की तरफ आ रहे थे, तभी यहाँ पर इनको एक फैमिली मिलती है जो कि अपने ब्लॉक काट मार रही थी और जिनकी ब्लॉक काट ख़राब हो चुकी थी। तो एंजल उसको माइकल के और अपने घर पर लेकर चली जाती है और उनके साथ डिनर करती है, और वो ये लोग यहाँ पर इनके साथ 2-3 दिनों से रह रहे थे। अब इन दोनों की लाइफ यहाँ पर बहुत ही अच्छी चल रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल होते हैं वो माइकल से कहते हैं कि तुम उस लड़की से शादी कर लो जो कि हमारे घर पर रह रही हैं, क्योंकि मैं तुम्हें एक बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती। यहाँ पर एंजल उस लड़की के लिए एक लेटर लिख के चली जाती है और कहती है कि तुम माइकल से शादी कर लो। यहाँ पर एंजल ये कहकर फिर से एक कैफ़े में चली जाती है काम करने के लिए, पर वहाँ पर फिर से वही ड्यूक आ जाता है। वो यहाँ पर एंजल को फिर से अपने कोठे पर लेकर चला जाता है जहाँ पर वो 2 लड़कियों को भी देखता है जो कि जब वो छोटी थी उसी की उम्र की थी, और वो लड़कियाँ बहुत छोटी थी, जिन्हें देखकर एंजल को अपना बचपन याद आ जाता है और वो उन लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग जाती है और फिर से उन लड़कियों को बचाकर उसी कैफ़े में काम करने लगती है। वहाँ पर एक दिन यहाँ पर एंजल को पॉल मिलता है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, तो एंजल कहते हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। एंजल वहाँ पर पॉल से माइकल के बारे में पूछते हैं, तो माइकल कहता है कि माइकल ने शादी नहीं करी, मैंने उस लड़की से शादी कर ली जिसके लिए तुमने माइकल को बोला था और माइकल अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हम लोग देखते हैं पॉल अपनी वाइफ को बता रहा था एंजल के बारे में कि वो बिल्कुल ठीक है, तभी हम लोग देखते हैं एंजल एकदम से ही माइकल के सामने आ जाते हैं जो कि खेतों में काम कर रहा था। माइकल यहाँ पर एंजल को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ये लोग शादी कर लेते हैं। एंड सीन में हम लोग इन दोनों को फिशिंग करते हुए देखते हैं और इन दोनों का एक छोटा सा बेबी भी है। तो इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता पड़ सके आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं। साथ ही साथ फिर मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।